हमारे देश में सैनिकों पर पत्थर मारने वालों के मानवाधिकारों की बात होती है। ऐसा करने वालों को आज फिलिस्तीन की इन तस्वीरों से ये समझना चाहिए कि देश की तरक्की भी तभी होगी जब देश होगा। जब देश ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए देश के लिए सैनिकों के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। जी न्यूज की टीम ने फिलिस्तीन के कई अहम इलाकों को अपने कैमरे से स्कैन किया है। रामल्ला के बाद हमारी टीम बेतलहम गई। ये वही जगह है जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आज आपको ये दुर्लभ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। फिलिस्तीन की सबसे युवा पत्रकार ने भी जी न्यूज के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। 13 साल की ये युवा पत्रकार एक छोटी बच्ची है, लेकिन उसकी प्रतिभा बहुत बड़ी है। जी न्यूज के कैमरों में कुछ ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं जो इजरायल और फिलिस्तीन के संघर्ष को दिखाती हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं जिनमें महात्मा गांधी की प्रेरणा दिखाई देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा और असहयोग के तरीकों को ही सही मानते हैं। फिलिस्तीन की दुर्लभ तस्वीरों से भरपूर हमारा ये वीडियो विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। इसे देखने के बाद आप भी फिलिस्तीन से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट बन जाएंगे। जिस देश पर संकटों के बादल मंडरा रहे होते हैं, उस देश में क्या होता है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको फिलिस्तीन की ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। आधुनिक इजराइल और फिलिस्तीन का 70 वर्ष पुराना विवाद आज भी जिंदा है। लड़ते लड़ते पीढ़ियां गुजर रही हैं, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच लगभग हर शुक्रवार को इसी तरीके के झगड़े देखने को मिलते हैं, इन बॉर्डर्स पर देखने को मिलते हैं। और ये हालात हैं तब जबकि फिलिस्तीनी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके देश की संप्रभुता, उनके अस्तित्व को स्वीकारा जाए। एक तरफ से पत्थरबाजी होती है और दूसरी तरफ से इसराइल की सेना, देखिए वो पत्थरबाजी हो रही है, सामने वो लड़के पत्थरबाजी कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लड़के हैं, जो कि इसराइली सेना से कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए। ये लड़ाई जमीन की है जिसे इजराइल के लोग अपनी जन्मभूमि मानते हैं और फिलिस्तीन के लोग अपनी जन्मभूमि। हर शुक्रवार को फिलिस्तीन के लोगों और इजराइल के सैनिकों के बीच झड़प जरूर होती है। फिलिस्तीन के लोगों की तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं और इजराइल के सैनिक आंसू गोले फेंकते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कब खत्म होगी ये कहना मुश्किल है। यहां से खड़े होकर के आज हम एक बात कश्मीर में खड़े उन पत्थरबाजों को भी बताना चाहते हैं कि कितना अंतर होता है। देखिए उस तरफ जो लड़के पत्थर चला रहे हैं वो अपने देश के लिए चला रहे हैं, वो लोग दूसरे देश की सेना पर चला रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में खड़े होकर हमारे ही देश के नौजवान अपनी ही देश की सेना पर पत्थर चलाते हैं। तो पत्थर चलाना है तो आपको सरहद पर जाकर दूसरे देश के खिलाफ चलाना होगा, फिलिस्तीन यही सिखाता है। देखिए फिलहाल मामला थोड़ा बढ़ता जा रहा है और हमें यहाँ रुकने की अब इजाजत दी नहीं जा रही, लेकिन स्थितियाँ अमूमन इसी तरीके से पूरे फिलिस्तीन और इजराइल में देखने को मिलती हैं। फिलिस्तीन दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ स्कूल जाने, दफ्तर जाने और खेती करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलिस्तीन के लिए संघर्ष करना। किसी देश का या राष्ट्र का महत्व लोगों को तब समझ में आता है जब देश पर संकट होता है, जैसा कि आज फिलिस्तीन में है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए बस्ता उठाने से पहले वो देश के लिए जान लगाना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे फिलिस्तीन की यंगस्ट जर्नलिस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ, जना जिनका नाम है, जिन्होंने फेसबुक पर पूरा एक अभियान चलाया हुआ है। 276,000 लोग इनको फॉलो करते हैं और ये छोटी सी बच्ची वीडियोस बनाती है, उस वीडियोस को फेसबुक पर अपलोड करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि फिलिस्तीन को क्या चाहिए। तो ये माइक मैं अब जना को दे रहा हूँ, ओवर टू यू। पर
like in Palestine, we're living under the Israeli military occupation. They always kill people, arrest children, or let them be injured. They always close the gates and checkpoints of the villages. Don't let us go to our schools. Don't let us go to our work. Sometimes people who are sick cannot go to the hospital. It's very hard for us living under occupation. Like, for example, I go to my house's roof and see the sea from there. But I once in my whole life, I went to the sea, and it's very hard for... आपको याद होगा, वर्ष 2017 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था, तो हमारी टीम उस वक्त इजराइल में भी थी। हमने इसराइल के उस दीवार का दौरा किया था जो फिलिस्तीन की बस्तियों को घेरने के लिए बनाई गई थी। फिलिस्तीन से यहाँ पर इसराइल में घुसपैठ करना नामुमकिन है, और ये तब हालात है जब देखिए हम लोग इस वक्त इसराइल की एक सड़क पर मौजूद हैं, और इस सड़क के ये जो सामने आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये फिलिस्तीन है। अब हम दीवार के इस तरफ खड़े हुए हैं। जी हाँ, वो सुरक्षा दीवार जिसे चारों तरफ से इसराइली सैनिकों ने घेरा हुआ है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इन दीवारों के ऊपर जाने की कोशिश भी करे, क्योंकि यहाँ लगातार कैमरों से वॉच किया जाता रहता है, और अगर कोई गलती करता है तो फिर उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। आज वर्ष 2018 में जब हम फिलिस्तीन पहुंचे, तो इसराइल के द्वारा बनवाई गई उसी दीवार के दूसरी तरफ की तस्वीर को हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस दीवार पर हमें महात्मा गांधी की तस्वीर भी देखने को मिली। महात्मा गांधी दुनिया के इस कोने में भी शांति और अहिंसा के साथ आंदोलन के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत बात फिलिस्तीन की यही है कि यहाँ का नौजवान आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को जानता है, मानता है, समझता है और चाहता है। मुझे लगता है शायद इससे बेहतर इस जगह पर खड़े होकर के कुछ दिखाना और बताना होगा नहीं। ये वही बैथलेम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये ईसाइयों का बहुत बड़ा तीर्थ है। पूरी दुनिया से ईसाई धर्म के लोग यहां दर्शनों के लिए आते हैं। तो इस वक्त हम एक सबसे पवित्र जगह पर मौजूद हैं, बैथलेम में, वो जगह जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस चर्च में पीछे की तरफ आप जब जाएंगे तो नीचे वो स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में रहने वाले ईसाई समुदाय के लिए ये सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर लोग दुनिया भर से पहुँचते हैं। As you can see, even if you look around, the Palestinian government is doing the renovation of the church, keeping, as you can see, there is constant work of renovation happening constantly, and it's kept and it's upheld and maintenance is by the Palestinian government. हर ईसाई यहाँ दर्शन करना अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता है। बैथलेम वेस्ट एशिया में मौजूद है। यहाँ अब ईसाइयों की संख्या बहुत कम है, लेकिन यूरोप से हर वर्ष यहाँ लाखों की तादाद में ईसाई लोग दर्शनों के लिए सदियों से आते रहे हैं। जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उस स्थान को तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको उस बिल्कुल खास जगह पर लेकर के जरूर आते हैं जहाँ से महज मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर वो स्थान है। तो हमारी कोशिश थी कि हम फिलिस्तीन इसराइल के संबंधों के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाएं जो कि आपको पता तो हैं, लेकिन शायद यहाँ तक पहुँचना मुश्किल भरा हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि इस पवित्र जगह के दर्शन आपको ज़रूर करा दें। दुनिया भर के ईसाई समुदाय के लोग जो कि इस जगह को मानते हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि वो शायद यहाँ तक ना पहुँच पा रहे हों, तो हम एक जरिया बन रहे हैं उस जगह तक उनको पहुंचाने का और इस जगह को दिखाने का। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, बैथलेहम, फिलिस्तीन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दौरान जब यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचेंगे, तो एक ऐतिहासिक घटना को अपनी आंखों के सामने साकार होता देखेंगे, क्योंकि यूएई में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए वहां की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में उस हिंदू मंदिर की आधारशिला रखेंगे जिसे बनाने के लिए यूएई की सरकार ने वर्ष 2015 में ही जमीन उपलब्ध कराने का वादा किया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुबई में पहले से ही एक मंदिर मौजूद है, लेकिन अबू धाबी में हिंदू समुदाय के लिए ऐसा कोई मंदिर नहीं था।
वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए थे तो वहां मौजूद भारतीय लोगों ने अबू धाबी में एक पूजा स्थल की मांग की थी और उसी के बाद वहां की सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जमीन देने का फैसला किया था। खुशी की बात यह है कि भारत और यूएई की सहनशीलता और संस्कृति की साझेदारी वाली सोच के तहत वर्ष 2020 तक ये मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी मीडिया की टीम इस वक्त अबू धाबी में मौजूद है और हमारी संवाददाता निश्चिता वीरेंद्र ने ठीक उसी जगह से आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है जहां इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट जो है यूएई में, उसका एक बड़ा हाईलाइट कि वो स्टार्ट करने वाले हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जो अबू धाबी का फर्स्ट हिंदू टेंपल होगा। दुबई में एक ऑलरेडी एक टेंपल कॉम्प्लेक्स है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन ये अबू धाबी का सबसे पहला हिंदू टेंपल होगा। मैं अभी वो 13.6 एकर लैंड में खड़ी हूँ जो क्राउन प्रिंस ने इस पर्पज के लिए दिया है। आप बहुत खुश होंगे, आज बहुत सालों का ये ड्रीम पूरा होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? फाइनली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा लॉन्ग टाइम सपना है ये टेंपल करने के लिए। अभी ये शेख इतने अच्छे दिल से दिया और मोदी का करिश्मा देख के इसके लिए हम करता है बाई 2020 फिर हमका ये टेंपल का काम शुरू करता है, कंप्लीट करता है। ये बहुत साल से हम लोग देख रहे थे ऐसा कोई मौका आएगा क्या करके, लेकिन ये भगवान का कृपा है कि अबू धाबी में ऐसे जगह पे, ये तो इतना बढ़िया जगह है, दुबई अबू धाबी अलेन सब जगह के लिए ये एकदम सेंट्रल लोकेशन है, ऐसा जगह पे एक मंदिर बनना हम सपने में भी सोच नहीं सकते थे। ये मंदिर बनाना कोई आसान भी नहीं है, जमीन मिलनी बहुत मुश्किल थी, जमीन मिली है तो अभी मंदिर का निर्माण होगा और ये निर्माण जो हो रहा है ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक निशानी है, लोगों को पता लगे कि हम भारतीय इतने शांत स्वभाव के क्यों हैं, क्यों हम दूसरे का भला पहले चाहते हैं अपने भले से। ये मंदिर जो है एक्चुअल मंदिर, वो मंदिर पत्थर से बनेगा जो हमारी शिल्प कला है, भारतीय शिल्प कला जो कि पत्थर से बनाते हैं मंदिर, जो कि BAPS स्वामीनारायण के मंदिर बने हैं, दिल्ली का अक्षरधाम बना है उस पत्थर से ही बना है, तो वही पिंक पत्थर जो है दिल्ली अक्षरधाम में यूज़ हुआ है वही पत्थर यहाँ पे यूज़ होगा। ये मंदिर अबू धाबी में जो आने वाला है इंडियन कम्युनिटी का एक लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम है। इस मंदिर को राजस्थान में अवेलेबल हुए पिंक स्टोन से बनाए जाएंगे, वही स्टोन्स जिससे अक्षरधाम टेंपल बनाया है। और इस टेंपल में बस टेंपल कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर होगा, एक लाइब्रेरी होगा और ऑल्सो एक लोकेशन होगा जहाँ पर कई त्यौहार जो है हिंदू कम्युनिटी के वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जा सके। अबू धाबी में वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ निश्चिता, जी मीडिया। तो आपने राहुल सिन्हा की रिपोर्ट देखी रामल्ला से और साथ ही साथ ये निश्चिता की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे ये दोनों संवाददाता मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले निश्चिता, आपने तो उस जमीन पर आप गई जहां पर ये मंदिर का निर्माण होना है और ये बहुत ही पुराना सपना जो कि अब साकार होगा, ये बताइए कि जो वहां हिंदू समुदाय है वो इसको लेकर कितना उत्साहित है और कहीं ना कहीं क्या इसके जरिए जो यहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू समुदाय है, उसे भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है?
हाँ बिल्कुल, यहाँ की हिंदू कम्युनिटी एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। बहुत सालों से इनका एक सपना था कि जैसे कि डॉक्टर बी आर शेट्टी ने बताया, मिस्टर सुधीर शेट्टी ने बताया, दोनों जो कमिटी मेंबर्स हैं इस टेम्पल के, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम था। लेकिन यूएई ऐसा देश है जहाँ पर हम डिमांड नहीं कर सकते जैसे कि हम डिमांड करते हैं इंडिया में। तो ये एक एम्बिशन, एक विश था जो इन्होंने नर्स किया, जो नरेंद्र मोदी ने फाइनली इसे एक डायरेक्शन दिया 2015 में जब वो आए, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। और इसके बाद पहले 10,000 स्क्वायर मीटर्स का लैंड अलॉट किया, फिर वो 20,000 हो गया, और आज वो 55,000 स्क्वायर मीटर्स का लैंड जो प्राइम एरिया में है, जो इक्विडिस्टेंट है अबू धाबी से, दुबई से, तो यहां पर एक टेम्पल बनाया जाएगा अगले 3 सालों से कम टाइम में ये टेम्पल बनाया जाएगा। तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ का बहुत एक्साइटेड है। आज तक कई लोगों ने मुझे बताया कि जब वो पूजा पाठ करना चाहते थे तो डरते थे, क्योंकि यहाँ पर ओपनली ऐसे डिस्प्ले करना अलाउड नहीं है, जस्ट प्रोसेशंस निकालना हो कि एक पूजा करना ओपन एरिया में, ये सभी अलाउड नहीं है। तो उन्हें वो कांस्टेंट फियर था कि शायद वो पिनलाइज हो जाएंगे। लेकिन अब ये लैंड देकर, ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होगा, ये इन्हें एक लेजिटिमेसी सॉर्ट ऑफ फीलिंग देगा, और ये अब ओपनली अपना रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं इस फॉरेन कंट्री में। और ये बस एक इशू ही नहीं, पिछले कई सालों से अपना एक क्लोजनेस दिखाने तो के लिए कहीं जो धर्म है निश्चितता, वो दोनों देशों के बीच अब एक पुल का काम करेगा। और हमारे साथ रामल्ला से इस वक्त राहुल सिन्हा भी मौजूद हैं। राहुल, फिलिस्तीन की ओर से ये दावा करना कि दोनों देशों के बीच, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो दुश्मनी है, अगर उसे कोई दोस्ती में तब्दील कर सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। वहीं इसराइल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें कैसे जोड़ने की एक कोशिश होगी। एक बैलेंसिंग रोल भारत की ओर से बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कितना अहम? देखिए, बहुत ज्यादा अहम है मेहमान साहब, खासतौर से फिलिस्तीन के लोगों को, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से लेकर के फिलिस्तीन में रहने वाले गांव के एक छोटे से आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद शायद इस वजह से भी ज्यादा जागी है क्योंकि जेरूसलम को लेकर के जिस तरीके से भारत ने अपना रुख यूनाइटेड नेशंस में रखा, उसके बाद यहाँ के लोगों को ये यकीन जरूर हुआ कि भारत एक तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपनी जो पॉलिसी है उसको उसी तरीके से रखा हुआ है जो कि शुरू से भारत की रही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त पहले भारत में नेतन्याहू का जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं और कुछ ही दिन बाद अब यहां पर फिलिस्तीन आ रहे हैं। एक तरीके से मीमांसा, भारत की ताकतवर कूटनीति का इससे बेहतरीन प्रमाण पूरी दुनिया के लिए ना दे सकते हैं प्रधानमंत्री और ना ही शायद मिल सकता है, क्योंकि भारत फिलिस्तीन पहुंच करके ये बता देगा कि देखिए रिश्ते और बाकी सारी चीजें अपनी एक जगह हैं, लेकिन जब बात कूटनीति की आती है तो भारत के लिए सब लोग एक बराबर हैं। लेकिन मीमांसा, इस जगह खड़े होकर के बहुत सारे लोगों ने इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के संघर्ष के बारे में देखा और सुना है, पर आप जब फिलिस्तीन पहुंचते हैं तब आपको ये महसूस होता है कि ये देश कहां खड़ा है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस देश में हफ्ते भर पहले ही 3G पहुंचा है? उससे पहले तक यहां पर 3G नेटवर्क तक नहीं था। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ये देश 3 हिस्सों में बटा है। और ये भी कहा जाता है कि फिलिस्तीन के अंदर जो ज्यादातर न्यूज चैनल्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। आप तो वहां पर मौजूद हैं, असल हालात हैं क्या वहां? लेकिन निश्चित तौर पर ये एक ऐसा देश है जहां आने के लिए और बाहर जाने के लिए आपको किसी दूसरे देश से परमिट लेना पड़ता है। फिलिस्तीन के लोग अगर कहीं बाहर जाएंगे तो उन्हें इसराइल से परमिट लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसराइल से यहां आ रहे हैं तो आपको इसराइली गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, तब आप अंदर एंटर हो सकते हैं। मैं जो आपसे कह रहा था मीमांसा कि ये देश 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ए, बी और सी। ए वो इलाका रमल्ला इलाका है जहां 15% पॉपुलेशन रहती है फिलिस्तीन की। मेरे पीछे देखिए, शायद अगर अंधेरा है मैं थोड़ा सा आपको जरूर दिखा सकता हूं, ये जगमगाती रोशनियां यहां पर दिखाई दे रही हैं ऊंची इमारत। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना।